भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के साथ नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया जब उन्होंने ये देखा कि एनडीए 348 सीटों के साथ जीत चुकी है। आपको बता दें कि यूपीए के पास 92 सीट्स आई हैं और अन्य जो हैं वो 102 पर हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरी पार्टी है जिसने दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जनता का विश्वास हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राहुल अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहने वाला जुमला था वो कांग्रेस पर ही भारी पड़ा। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर ये भूल ना करती, क्योंकि किसी के ऊपर व्यंग आप कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी की बेइज्जती या किसी की इज्जत उतारना एक जनता के सामने एक्सपोज होने के बराबर है और वही राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने किया है। तभी उनको टोटल 100 सीटें भी नहीं मिल पाई हैं पूरे देश में। बहुत शर्मनाक बात है राहुल गांधी के लिए और उन्होंने इसके ऊपर एक फैसला लेते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। और वहीं नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम पार्टियों को, विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि आपको बताएं कि प्रियंका गांधी मोदी को बधाई दे चुकी हैं, राहुल ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। कन्हैया कुमार का कहना है कि इस बार जुमलेबाजी नहीं करेंगे मोदी, ये उम्मीद है। वहीं अडवाणी ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सिद्धू जो हैं उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो बाजवा से अगर गले ना मिलते तो शायद कांग्रेस में वो जीत जाते। वहीं कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस नहीं हारी, हिंदुस्तान हार गया है। इसका तर्क उसके पीछे क्या है ये समझ में नहीं आया, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद ये बात कही है कि मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि मैं विपक्षी दलों को साथ लेकर चलूँगा, तो ये बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ बात है कि नरेंद्र मोदी एक प्रचंड बहुमत के बाद भी बड़े नर्म हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहे जिस तरह के बयानबाजी कांग्रेस के नेतागण करते आए हैं। नरेंद्र मोदी ने जीत के एग्जिट पोल के नतीजे आने के बावजूद भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि लगे कि वो कहीं से ओवर कॉन्फिडेंस हैं या उनके अंदर उनका अहंकार बोल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस तरह की उल जुलूल बयानबाजी करती आई है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस तरह की बयानबाजी की थी जिसके ऊपर मोदी ने साध्वी प्रज्ञा को फटकार भी लगाई थी, लेकिन बात वही है, अगर अहंकार नजर आता है जनता को तो जनता आखिर में नाकार देती है चाहे विपक्ष कितना भी मजबूत क्यों ना हो। वहीं इस बात से बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है हाल फिलहाल बीजेपी में और देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जल्द ही सरकार कब बनाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 26 को वो सरकार बनाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।